ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इससे पहले हमने असेक्चुअल रिप्रोडक्शन के सारे मोडों को अलग अलग तरीके से समझा, जिसमें शामिल थे फ्यूजन, देन रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन बडिंग, एंड उनके एग्जाम्पलों को भी देखा। आज इसी चैप्टर के इसी कड़ी में, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे, हम एक और वंडरफुल चीज़ें आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। दिस इज द व्हाट टिश्यू कल्चर। सो व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द टिश्यू कल्चर, लेट्स लुक, गिव द डिटेल हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रीड, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन आई एम हियर फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रोइंग बाय द रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। एक ही चीज से आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू कल्चर वह मेथड है, वह प्रोसेस है जिसमें जो ग्रोइंग पार्ट होती है प्लांटों को, न्यू प्लांटों को ग्रो किया जाता है फॉर द रिमूविंग एंड सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ पेरेंटल सेल। मतलब ऐसा पेरेंटल सेल जो कि मैच्योरेशन कंप्लीट कर चुका है और वह एबिलिटी रखता है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर सके, तो उनकी जो ऐसा पार्ट जो कि न्यू इंडिविजुअल क्रिएशन के लिए तैयार रहते हैं, उन ग्रोइंग पार्ट को क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है उनके सेल से, या पेरेंटल सेल से अलग कर दिए। ओके, नाउ देन द सेल आर रिप्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम। और जो हमने सेल अलग किया है, जो हमने सेल अलग किया है, ग्रोइंग टिप को अलग किया है उनके पेरेंटल से, अब उसको हम वो सारा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाएंगे इन द एक्सपेरिमेंटल लैब, यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम में, जो उसको उस उनके पेरेंट के साथ में जो एडेप्टेशन या जो एनवायरनमेंट मिल पाता, जो न्यूट्रिशन मिल पाता, वो सारी चीज़ें हम अब लैब में उस सेल को, पर्टिकुलर सेपरेटिंग सेल को प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वह अपने डेवलप कर सके, ग्रोइंग कर सके। ओके, नाउ वेयर दे डिवाइडेड रिपीडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल। जहाँ उसको हम ऐसे जगह पर रखते हैं या ऐसी मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उसको एडेप्टेशन फील हो सके और वह अपना ग्रोइंग करने के लिए पूरी तरीके से फ्रीडम फील कर सके। तो क्या होती हैं, जो हमने सेल सेपरेट किया था उसके पेरेंटल सेल से, अब वो सेल क्या करता है, रिपीडली बहुत जल्द जल्द सेल हम क्या करते हैं बेटे, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बहुत जल्द जल्द डिवाइड किया फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, और वह स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बन चुका होता है जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल। अब उसमें क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बन चुके होते हैं, देन इस इज आल्सो नोन एज कैलस, और उसको और किस नाम से जाना जाता है, कैलस के नाम से जाना जाता है जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बन चुका है। नाउ द कैलस इज ट्रांसफर टू द अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर द ग्रोइंग इन डिफरेंटिएशन। अब जो हमारे पास में कैलस जो बना हुआ था, यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल जो बना हुआ था, उसको एक दूसरी मीडियम हम प्रोवाइड करवाएंगे जिसके कि आर्टिफिशियली हार्मोन्स प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके। कंटेनिंग हार्मोन्स मतलब एक ऐसी आर्टिफिशियल अनदर मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे जो कि हार्मोन से कंटेन हो, और वह छोटा सा प्लांट जिसको कि जो जो हार्मोन्स की जरूरत है वह उसको मिल सके, तो उसके लिए हम अनदर मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे। देन द प्लांटेड देन द प्लेस्ड इन द सॉइल, और जिसके बाद वह पूरी तरीके से यदि मैच्योरेशन कंप्लीट कर ली, तब उसको क्या कर देना है, प्लांटेड कर देनी है किसमें, सॉइल के अंदर, सो दैट द कैन सो नी इन टू मैच्योर प्लांट। और उसके बाद जो है, जब वो सॉइल से अटैच हो गया, अब वो न्यू प्लांट में मैच्योरेशन में क्या उसका फर्स्ट कदम हो गया और वह धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। नाउ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, देन उसके बाद क्या है बेटा, सो इन टू द मैच्योरेशन प्लांट ने इन टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट कैन ग्रो डिसीज फ्री कंडीशंस। तो प्लांट जो टिश्यू कल्चर है उसका ज़्यादातर यूज मोस्ट ऑफ द टाइम इज क्या किया जाता है, एक ऐसे प्लांटों को जनरेट करने के लिए, ऐसे प्लांट्सों को, न्यू इंडिविजुअल को लाने के लिए, क्रिएशन के लिए किया जाता है जो कि क्या हो, फुलफिल ऑफ डिसीज फ्री हो, क्या कोई भी किसी तरीके से डिसीज ना हो, डिसीज फ्री कंडीशन में बनाने के लिए या लाने के लिए ऐसे प्लांटों को टिश्यू कल्चर किया जाता है। नाउ दिस टेक्निक वेयर वी हैव अप्लाई द टिश्यू कल्चर कॉमनली यूज्ड इन द ऑर्नामेंटल प्लांट। ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट में इस जो मोड ऑफ मेथड है, मोड ऑफ कल्चर है, उसको हम अप्लाई करते हैं।
आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसके लास्ट में यदि टिश्यू कल्चर होता क्या है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो इसमें एडिट कर दूंगा, जो अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि टिश्यू कल्चर का 3D एनिमेशन कैसा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। किसके साथ में बेटा? स्पोर फॉर्मेशन के साथ में। ये भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, सच एज जिस तरीके से रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम काइंड्स ऑफ द अनदर मोड ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज दैट स्पोर फॉर्मेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।